नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में यूपी में सपा बसपा अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ 2019 का चुनाव लड़ रही हैं। तो बीजेपी यूपी में 2014 की सफलता दोहराने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है, वहीं कांग्रेस और शिवपाल यादव गठबंधन की हवा निकालने में लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी अपने संगठन और मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मात दे देगी। इस सवाल का जवाब जाने उससे पहले यूपी की राजनीति को पीछे लिए चलते हैं और विधानसभा चुनाव 2017 की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन एक साथ उतरी, तो वहीं बीजेपी बसपा अलग अलग चुनाव लड़ी। उसके बाद यूपी की जनता ने जो रिजल्ट दिया वो आप सबके सामने था, और इसी बात से डरकर सपा बसपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में साथ आने की जरूरत महसूस की और एक साथ आए भी। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलत फहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमजोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनत कश लोग आदि ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ BSP व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या BJP एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नज़र आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में ज़बरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी, और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में BJP को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी। ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी, क्योंकि सपा और बसपा को ये बात सताने लगी थी कि अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो साथ आना ही पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये एक तरह से बेमेल गठबंधन है, क्योंकि मायावती और अखिलेश के विचार एकदम अलग है, और मायावती हमेशा तुनक मिजाजी की राजनीति करती है, तो अखिलेश भी राजनीति में
अनुभवी नहीं है। और अगर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की भाषा में कहें तो सपा बसपा का गठबंधन बेमन का ब्याह कनपटिए सेनूर की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के डर से गठबंधन किए हैं। तो वहीं सपा बसपा गठबंधन से नाराज कांग्रेस यूपी में पूरी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतार चुके हैं। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे, भैया काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम जाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे। तो वहीं सपा से निकाले गए शिवपाल यादव भी लोकसभा चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और लोकसभा चुनाव बेहद मजबूती से लड़ने का मन बना चुके हैं। आप तो देख ही रहे कितना समाजवादियों का अपमान किया गया था, नेताजी का अपमान, जनेश्वर मिश्रा जी का अपमान। अब ये दोनों लोग फिर मिल करके फिर वही बात चली अपमानित करने के, अपमानित ही तो होता है। इन गठबंधन इस तरीके के होंगे, क्या भरोसा है फिर? क्या भरोसा है? नेताजी ने जब गठबंधन किया था, तब तो कोई आरोप था नहीं, सीबीआई का तब डर किसी को था नहीं, और आज तो सीबीआई के डर हैं। सीबीआई की वजह से, डर की वजह से ये गठबंधन हो रहे हैं। और ये गठबंधन सफल नहीं है, ये तो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, पैसे के लिए। इसमें भी पैसा लिया गया होगा, जो देखिए टिकटों में पैसा कौन नहीं जानता, कुछ ही से छिपा है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, सब लोग जानते हैं, ये तो ठगबंधन है जिसमें भी लिया गया होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए करो या मरो वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि इस समय मायावती अपने राजनीतिक जीवन के बेहद कठिन दौर से गुजर रही हैं। लोकसभा में मायावती की पार्टी का प्रतिनिधित्व शून्य है। यूपी विधानसभा में भी बसपा के महज 7 ही विधायक है, जो बसपा के इतिहास में अब तक की न्यूनतम स्थिति है। ऐसे में यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी एक काडर वाली पार्टी है। बीजेपी के पास मोदी जैसा करिश्माई चेहरा है और अमित शाह जैसा रणनीतिकार। तो सवाल बनता है कि कांग्रेस, सपा, बसपा और शिवपाल यादव किसके वोटों को काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे। ऐसे में बीजेपी इन सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए लोकसभा चुनाव में धमाका कर सकती है। मोदी जी के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रचार प्रसार को रोकने के लिए एक गठबंधन बना। आपको याद होगा, विधानसभा के जब चुनाव थे तब भी यूपी के दो लड़के इकट्ठा आए थे, याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? गठबंधन हुआ था या नहीं हुआ था? आज भी गठबंधन हुआ है। ये कहते हैं गठबंधन होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे, हमारे केशव भाई भी उस वक्त कहते थे गठबंधन हो गया,
मगर भारत माँ की जय के जयकार के साथ जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ के मैदान में उतरा, सारे के सारे गठबंधन के घर को ध्वस्त करकर 325 सीट ले गए। ये जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है, वो गठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है मित्रों, एक स्वार्थी राजनीति का गठबंधन। मित्रों, ये गठबंधन वास्तव में इस देश में अराजकता पैदा करने, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने, राजनीतिक अव्यवस्था को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का गठबंधन है। यह गठबंधन किसी नेक नियति के से, किसी सदुद्देश्य के लिए नहीं। आजादी के बाद गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे दे गए, लेकिन क्या गरीबी सचमुच हटी? एक गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत न हो, अपनी नारी गरिमा को सम्मान करने के लिए शौचालय न हो, रोजगार की सुविधा न हो, आखिर कैसे गरीबी हटाई जा रही है? देश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिलना, और विगत 1.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के एक एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया। 18 लाख परिवार, अगर समाजवादी पार्टी की 5 वर्ष के शासनकाल में आप देखेंगे, मात्र 63,000 आवास बनते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। केंद्र सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के अंदर प्रारंभ किए ये विकास की योजनाएं, जब आगे बढ़ेंगी तो जातिवाद की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी, मत और मजहब की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी। इसलिए जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए जो एक कहावत भी है कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है भारत का विकास, भारत की समृद्धि और भारत का उत्थान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वे लोग आज मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने का दांव चला रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्य मुकाबला सपा बसपा रालोद गठबंधन माना जा रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या माया अखिलेश अपना अस्तित्व बचा पाएंगे।